चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हमने P1 प्रॉब्लम की थी, अब हम P3 प्रॉब्लम देखेंगे। आप एक बार देख ले प्रॉब्लम को। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच हैज एडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्नेसेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 100 kg, यानी कि 100 किलो माल लगता है आपको 70 किलो माल तैयार करने में। ठीक है, ध्यान ध्यान समझिएगा। P3 कर रहे हैं हम लोग। देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100 kg फॉर 70 kg ऑफ आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट है, जरा देखें एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल आउटपुट है 2,10,000 kg। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई? ये हो जाएगा 2,10,000 kg हमारा आउटपुट है, और 70 किलो आउटपुट के लिए मुझे 100 किलो इनपुट चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई मेरी 3,00,000 kg। ठीक है ना? चलिए, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 1 रुपीज पर केजी, और AQ इंटू AP ये दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। कितनी है? 2,52,000, और AQ है कितना? 2,80,000 kg। तो हम कर ले SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP। SQ इंटू SP कितना होगा? 3,00,000 इंटू 1, ये दे रखा है हमको 2,52,000, और ये हो जाएगा 2,80,000 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 3,00,000। ये हो जाएगा 2,52,000, और ये हो जाएगा हमारा 2,80,000। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। 48,000 आपको क्या मिल रहा है? फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP कितना है? देखें जरा एक बार, ये है हमारा 28,000 फेवरेबल, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP, तो ये होगा 20,000 फेवरेबल। ठीक है ना? इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा, नो मिक्स वेरिएंस कैन बी कैलकुलेट, क्यों? एज देयर इज नो मल्टीपल रॉ मटेरियल्स, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं है तो कोई मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा। तो मेरा जो सम होगा वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना सर? चलिए,
अब हम देखेंगे पी फोर प्रॉब्लम, पढ़े आप एक बार प्रॉब्लम को। ये स्टडी मटेरियल की दूसरे नंबर की प्रॉब्लम है, इसको करेंगे हम लोग। ए और बी दो तरीके का मटेरियल दे रखा है, मिक्स का परसेंटेज दे रखा है कि 40 और 60% है, स्टैंडर्ड लॉस दे रखी है 10% है, एक्चुअल कंजम्पशन इन्होंने बताया 90 और 110 है, ठीक है ना। चलिए एक्चुअल आउटपुट दे रखा है आपका 182, तो कैसे करेंगे जरा समझ लें। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अब हम कर रहे हैं पी फोर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है मुझे एक्चुअल आउटपुट के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल आउटपुट है मेरा 182 केजी, स्टैंडर्ड लॉस है मेरा 10%, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी कितनी हुई 182 केजी अपॉन 90%, ठीक है ना, ऐसे ही होगी। चलिए एक मिनट कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी मेरी 90%। प्राइस देखें जरा क्या है, एक मिनट, 20 और 30 रुपए का प्राइस है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, एक मिनट। वन एट्टी टू डिवाइडेड बाई 90%, तो ये आएगा आपका 202.22 केजी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए 202.22 इनटू कितने परसेंट था, ए 40%, तो इनटू 0.4 करें तो ये आएगा मेरा 80.89। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं बी की निकालू तो 202.22 इंटू 60%, तो यह आएगा मेरा 121.33, ठीक है सर। ये केजीज मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के निकल गए। अब मुझे कुछ नहीं करना, सारा डाटा दे रखा है मेरा, एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू SP, ये A, ये B, 80.89, 121.33, रेट दे रखा है 20 और 30, 20 और 30, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग रही है 90, 110, रेट लग रहा है 18 एंड
34 एंड 90 110 रेट है 20 एंड 30 इसका टोटल 1800 इसका टोटल 3300 ये हो गया 5100। इसको अब जरा कैलकुलेट कर लें